हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एस के शर्मा फ्रॉम मेजर सीतामढ़ी। आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपको आज पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट लेकर आया हूँ, जो कि मेरे दोस्त पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट आप नाइरेशन बनाते हैं, वॉइस बनाते हैं या किसी प्रकार के ट्रांसलेशन बनाते हैं, आप गलत कर बैठते हैं। जी हमारे दोस्त गलत कर बैठते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन, बहुत सारे आपको एग्जाम में भी काम देता है। हाँ, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट एकदम माइंड में डाल दूंगा, ताकि आप कभी भूल ना सके। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। ठीक है, देखिए हाँ, ये सब जो दिया हुआ है सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस यानी कि आई, आई माने मैं, वी माने हम लोग, यू माने तुम लोग, है ना, आप लोग है ना, आप लोग। चलिए, ही माने वो पुरुष के लिए, सी माने वह स्त्री के लिए, इट माने यह निश्चित चीजों के लिए, दे माने वे लोग, एक से अधिक पूछो तो दे। ठीक है, चलिए वन क्लियर। तो देखिए मेरे दोस्त, आई और वी जो है, आई और वी, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन है आई और वी। आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन, यानी कि समझ जाइए मेरे दोस्त, फर्स्ट पर्सन कहते किसको है, ये बात भी आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन कहते किसको है, यानी कि बोलने वाला जो होगा फर्स्ट पर्सन होगा। जी हमारे दोस्त, जो भी व्यक्ति बोलेगा, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जो भी व्यक्ति अगर सुनेगा या समझेगा, ठीक है, सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन। ठीक है, जो भी व्यक्ति सुनेगा या समझेगा सेकंड पर्सन होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सुनने वाला सेकंड पर्सन, या आप ही बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं तो हम सेकंड पर्सन, आप फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में मेरे दोस्त बात हम लोग कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, वो सब क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा, वो सब थर्ड पर्सन। चाहे मेरे, देखिए मेरे दोस्त, देखिए ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर मेरे सामने हो तो वो क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन। ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे पास अगर कोई बिल्ली सामने है, कुत्ता सामने है, कोई जानवर है ना, या कोई अंग्रेज है, उसकी बातों को अगर हम समझ ना पा रहे हैं, है ना, उस कोई और भाषा बोलता है ना फ्रेंच, या मान लीजिए कोई नेपाली मेरे सामने है और मेरी, हम उनकी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे लिए वो थर्ड पर्सन होगी। हाँ मेरे दोस्त, मेरे लिए वो थर्ड पर्सन होगी, नेपाली जो होगा मेरे लिए थर्ड पर्सन होगा। क्लियर? तो देखिए इस तरह से आपको बेहतर ढंग से आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारी भाषा को नहीं समझे, वो थर्ड पर्सन होगा, या चाहे जानवर हो या कोई भी व्यक्ति हो, है ना, उसकी भाषा को अगर समझ ना पा रहे हो तो वो थर्ड पर्सन होगा। क्लियर? और हमारी भाषा यानी कि मेरे सामने कोई व्यक्ति है, हम उनके सामने हैं और दोनों की चर्चा है ना, हम उनसे बात कर रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, तो मेरी बातों को अगर वो सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन, और उनको ही बात को अगर हम सुन रहे हैं तो हम सेकंड पर्सन, और हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन। क्लियर? चलिए थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर लेंगे मेरे दोस्त, हम दोनों आदमी जो फर्स्ट पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ये दोनों जिसके बारे में बात करेगा, जिसके बारे में बात करेगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, वो क्या, यानी कि जिसके जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, सारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? थर्ड पर्सन, यानी कि ही, सी, इट, दे और वन, है ना, सब थर्ड पर्सन है। क्लियर? चलिए, तो अब जानते हैं सब्जेक्टिव केस हो क्या, ऑब्जेक्टिव केस इसके जानते हैं। सब्जेक्टिव केस आई, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा मी होता है। ठीक है, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है, वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है अस होता है, यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यू होता है, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम होगा, सी के जो ऑब्जेक्टिव केस होगा हर होगा, इट के जो ऑब्जेक्टिव केस होगा इट होगा, दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा देम होगा, और वन के ऊपर होगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं मेरे दोस्त पोसेसिव एडजेक्टिव में और पोसेसिव प्रोनाउन में। तो पोसेसिव एडजेक्टिव कहता है कि हम बाबू बीस नाउन के साथ आते हैं। ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव कहता है कि हम अकेला ना आवे वाला छियो, है ना, हम बिना नाउन के ले हम कहीं जा नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव कहता है बिना नाउन के हम कहीं टच किए नहीं सकते हैं, है ना, वो नाउन के साथ ही आएगा मेरे दोस्त। तो पोसेसिव एडजेक्टिव यानी कि माई है, माई, माई माने मेरा, मेरी। ठीक है, यानी कि आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई होगा, और वी के आवर होगा, आवर माने हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, हम लोगों का, हम लोगों की। ठीक है, यू का पोसेसिव जो एडजेक्टिव होगा योर होगा, यू का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? योर होगा। ही के जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा हीज होगा, उसका, उसकी, है ना। सी के हर होगा,
इसका मतलब भी उसका उसकी होता है ठीक है। सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर, इट का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा इट्स होता है ठीक है मेरे दोस्त। चलिए दे का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा देयर होता है क्लियर। चलिए वन का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा क्या होगा वंस होगा ठीक है। चलिए तो ये तो बात था पोसेसिव एडजेक्टिव की जो हमेशा नाउन के साथ आता है इसका जान नहीं छोड़ने वाला है कभी नहीं ठीक है। चलिए पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन ये कहता है कि हमारा साथ नाउन रहे या न रहे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि नहीं रहना चाहिए, हम अकेला घूमेंगे, जहां रहेंगे अकेला ही आएंगे, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन कहता है हम जहां रहेंगे अकेला आएंगे ठीक है। यानी कि आई के जो होगा पोसेसिव प्रोनाउन माइंड होगा, आई के जो पोसेसिव प्रोनाउन होगा माइंड होगा, बी के आवर्स होगा, यू का योर्स होगा और ही के हिज होगा, सी के हर्स होगा, इट का कुछ नहीं। इट का क्यों कुछ नहीं होगा, क्योंकि इट अपनी, इट जो है अपनी अधिकार खुद नहीं दर्शा सकता है ठीक है। यानी कि कोई भी निर्जीव चीज बताइए कहेगा, मोबाइल कहेगा कि ये मेरा चार्जर है, नहीं कहेगा मेरे दोस्त। तो इसीलिए पोसेसिव प्रोनाउन जो में कुछ नहीं होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता ही नहीं है, है ना। चलिए देखा देयर्स हो जाएगा, देखा देयर्स वन के वंस, कोई भी व्यक्ति के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो उसकी उसकी पोसेसिव प्रोनाउन हम नहीं दर्शा सकते हैं ठीक है। चलिए तो विथ नाउन विदाउट नाउन, यानी कि विथ नाउन पोसेसिव एडजेक्टिव ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा और बिना पोसेसिव बिना नाउन के साथ पोसेसिव प्रोनाउन आएगा ठीक है। चलिए उसके हम, तो ये आप क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू ठीक है, और थर्ड पर्सन ही सी इट और दे ठीक है। चलिए इसको आप अगर ठीक से उतारना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट लेकर या बैक करके आप उतार सकते हैं। चलिए आप इसके एग्जांपल से देखते हैं, जैसे है ना यह कलम मेरा है ठीक है, यह कलम मेरा है। चलिए यह कलम मेरा है, तो देखिए मेरा जो है अकेले है मेरे दोस्त, मेरा के साथ कोई नाउन है नहीं है। आप कहेंगे यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है ठीक है, यह मेरा कलम है। तो देखिए मेरे दोस्त ये जो है मेरा, तो मेरा के साथ क्या आया है, कलम आया हुआ है, यानी कि इसके साथ लेकर आया है ना, कलम है यानी कि ये क्या है नाउन है, नाउन है। तो मेरा जो है कलम को साथ लेकर आया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा मेरा, अरे पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा भाई, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए तो यहाँ ये पोसेसिव एडजेक्टिव है ठीक है, मगर ये कहता है मेरा कि हम किसी को साथ में नहीं लिए, हाँ मेरा अकेले है ना, यहाँ क्या हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा ठीक है। इस दोनों की ट्रांसलेशन हल हम करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने के भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए दिस इज है ना, इज होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यह के साथ कलम जुड़ा हुआ है, तो दिस पेन ठीक है, दिस पेन यह कलम, दिस पेन का यह कलम, अब मेरा है तो इज माइन ठीक है, मेरा है तो माइन, यानी कि मेरा अकेले है तो पोसेसिव प्रोनाउन क्लियर। अब यह मेरा कलम है तो दिस इज माई पेन। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए यानी कि अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुम मेरी हो ठीक है, मैं तेरा हूं है ना। कहते हैं किसी को आप कि तुम मेरी हो मैं तेरा, गाना भी है ना, तू मेरी मैं तेरा दुनिया से क्या लेना, है ना, सुने होंगे आप। चलिए तो देखिए तुम मेरी है, मेरी क्या है, अकेले है कि नहीं मेरे दोस्त, तेरा क्या है, अकेले है कि नहीं है, तो तुम मेरी है तो यू आर माइन और मैं तेरा हूं तो क्या होगा, आई एम योर्स ठीक है। क्योंकि ये देखिए यह अकेला है, यह किसी नाउन के साथ नहीं आया मेरे दोस्त, यह किसी नाउन के साथ नहीं आया, अगर आया होता तो पोसेसिव प्रोनाउन नहीं, पोसेसिव यहां एडजेक्टिव होता है ठीक है। तो ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है ठीक है, ये भी क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं, जैसे यह देश उन लोगों का है, यह देश उन लोगों का है ठीक है, यह देश उन लोगों का है और यह उन लोगों का देश है
या उन लोगों का देश है, या उन लोगों का देश है, ठीक है। तो देखिए यह देश उन लोगों का है, तो दिस कंट्री, देखिए उन लोगों के साथ कोई है, कोई नाउन है नहीं है मेरे दोस्त, उन लोगों के साथ कोई नाउन नहीं है, तो देखिए उन लोगों के साथ कोई नाउन नहीं है तो पोसेसिव प्रोनाउन के चार्ट में से उठाएंगे, यानी कि दिस कंट्री इज देयर्स, देयर्स दिस कंट्री इज देयर्स, यह उन लोगों का देश है, यह उन लोगों का देश है, तो क्या जाएगा दिस इज देयर कंट्री, ठीक है, दिस इज देयर कंट्री, ठीक है, दिस इज देयर कंट्री, क्लियर। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और यह जो है आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लेकर जीरो से लेकर पीओ लेवल तक या यूपीसीए लेवल तक आपको यह आपको जरूरी है, ठीक है मेरे दोस्त, यह आपको जरूरी है ही, आप इसको रख जाएंगे, या आप नाइगेशन बना रहे हो, या आप वॉइस बना रहे हैं, या कोई भी ट्रांसलेशन बना रहे हैं, आपको बहुत ही आवश्यक है, यानी कि माई माने मेरा मेरी, अगर माने हमारा माने योर माने तुम लोग का तुम लोग की, आप लोग का आप लोगों की, है ना। चलिए हिज माने उसका उसकी, हर माने उसका उसकी, इट्स माने इसका, ठीक है, देयर माने उन लोगों का उन लोगों की, है ना, वंस माने किसी के लिए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, गुड बाय।